सत श्री अकाल जी सारे वीरां नूं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आस करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिसको हमारे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की जो वीडियो बना रहे हैं वो भी हम अपने एक आपको हीफर मैंने पहली वीडियो में दिखाई थी, तो उसकी सोचा भी अकेली की वीडियो बनाऊं और उसको मोटिवेशन के लिए आपको दिखाऊं कि वो कितनी अच्छी वीडियो कितनी अच्छी गाय है, और जो भी है मतलब उसके बारे में बताऊं और किसी मन की है और किसको क्या लगा है और उसकी क्या एज है और क्या कितने टाइम की हो गई है, वो सब कुछ मैं आप इसको वीडियो में बनाऊंगा। आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। ये जो आप मेरी बछड़ी देख रहे हो, ये हमारे अटलांटिक के सीमन की है, तो ये अकेली जा नहीं रही है। और जब मैंने अकेली निकाल ली है तो ये आपको दिखा रहा था मैं सारी वीडियो में भी क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं। ये हमारी अटलांटिक के सीमन की है, जो सीआरबी का अटलांटिक हमने पहले लगाया हुआ था, तो एक दो स्ट्रॉ बचे थे, उसकी बछड़ियाँ आई हुई हैं, काफ़ी बछड़ी आई थी अटलांटिक की। तो ये सीमन अब नहीं आ रहा पंजाब में, तो और इनके कंपनी के सीमन आते हैं, और इसको अभी जी फोर्स लगा हुआ है, जो जी फोर्स है वो भी बहुत अच्छा है, और जो हमने अभी लगाया है इसको वो भी एक कन्वेंशनल सीमन है, जो एक बहुत टॉप की अटलांटिक डेल्टा लाइन का है, जो उसका सबका मतलब हमारे अच्छे सीमनों में है। और जो मैं इसकी हेल्थ और उसकी बात करूं तो जो लेग्स वगैरह आप देख रहे हो काफ़ी मजबूत हैं, और जब ये बच्चा देगी, क्योंकि इसके साथ की जो पहले बच्चा दे चुकी हैं वो 30 से 35 लीटर तक की ही गाय रही हैं, और अगले सुए में वो बहुत ही अच्छा दूध प्रोड्यूस किया है, क्योंकि पहले सुए में इनका जो वेट होता है वो कम होता है। जैसे ये लगभग 5.5 क्विंटल की गाय होगी जो अभी बच्चा देगी। और ये देखिए आप इसकी क्वालिटी देखें, और एक कंपटीशन के लेवल की बछड़ी है ये, तो थोड़ी डर रही है भी क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो ये अटलांटिक के सीमन की है और इसको अभी जी फोर्स लगा रखा है हमने, तो बहुत ही प्यारी बछड़ी, बहुत ही सुंदर जो बछड़ी है। ये मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि लोग अभी पंजाब में ट्रेंड द्वारा से शुरू हो गया है डेयरी फार्मिंग का, तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि एक वीडियो की वीडियो हो गई और सीमन के बारे की डिटेल हो गई। बहुत से सीमन अभी अवेलेबल हैं, जैसे WWS, CMAX और CRB, और ये जो बछड़ी है वो सबसे अलग है हमारे फॉर्म में, तो और भी है पर लेकिन इसकी क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आप दूर से देखें क्योंकि ये थोड़ी डर रही है, बहुत अच्छी आगे चल के ये एक गाय बनेगी, और जो इसकी मदर थी वो CRI की लाइन की जोबनी की थी, तो वो भी एक मतलब इसका सब सारा कुछ ही इम्पोर्टेड खानदान चलता आ रहा है हमारे फॉर्म पे। लगभग 5-6 पीढ़ी तो हो गई हैं इम्पोर्टेड की, क्योंकि बीच में हमने कभी किसी कंपनी का लोकल का भी यूज़ किया था, जो पहले पहले जब हमने फॉर्म स्टार्ट ही किया था। तो ये अब पूरी तरह से ये इसकी अडर की क्वालिटी, क्योंकि अडर इसका जितना आगे को है उतना ही पूरा पीछे को है, जैसे सोजिश है तो ये अब देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा फिटनेस का अडर है पूरा। तो ये चीज़ें ही एक काउंट करती हैं अच्छी गाय में, जो आपकी टॉप की लेंथ है वो भी एक बहुत अच्छी है, सीधी है, और
क्योंकि थोड़ा बच्चा भी भारी होता है तो पेट के नीचे गया होता, थोड़ा सा ऊपर से झुक रही है, लेकिन जो टॉप लाइन बहुत ही अच्छी है इसकी, एक कंपटीशन लेवल की हमारी अटलांटिक की बछड़ी है, जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी है, जो दूध भी अच्छा निकालेगी, प्रोड्यूस अच्छा करेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।